नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन प्रजापति गुजरात से। मैं आपको इस चैनल पर बांसुरी वादन सिखाऊंगा। वैसे तो मैं एक प्रोफेशनल फ्लूट आर्टिस्ट हूं, पर मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आप इस चैनल पर मेरे साथ अच्छी तरह से बांसुरी वादन सीखें। तो हम बेसिकली तीन मुद्दों पर बात करेंगे। पहला कि बांसुरी क्या होती है, दूसरा कि बांसुरी का सिलेक्शन कैसे करें। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब हम सीखने की शुरुआत करें तब कौन सी बांसुरी का उपयोग करें। तीसरी बात कि कैसे बांसुरी वादन करें, बांसुरी कैसे बजाएं। तो ये तीन मुद्दों पे हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो पहली बात आती है कि बांसुरी क्या होती है। तो ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ये पूरी बांस की बनाई हुई बांसुरी मेरे हाथ में है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये छः होल है। कई बांसुरी में लास्ट वाला जो होल है वो होता है, नहीं होता है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से हम बजाते हैं जो उसका मुख रंध्रा बोलते हैं, मुख रंध्रा। ये जो हिस्सा है छः होल वाला, इसको हम स्वर रंध्रा बोलते हैं, और जो अंदर का हिस्सा है उसको हम गर्भ रंध्रा बोलते हैं। ये थोड़ी थियोरिकल बात है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। बांसुरी का सिलेक्शन कैसे करें। तो बेसिकली बांसुरी तीन प्रकार की आती है। एक आती है हाई ऑक्टिव, दूसरी आती है मिडल ऑक्टिव, और तीसरी आती है बेस बांसुरी। ये आप देख सकते हैं बड़ी वाली बांसुरी, कई वीडियोस में आप देखते होंगे बड़ी वाली बांसुरी। तो सीखने के लिए आप मिडल ऑक्टिव की जो बांसुरी होती है, छोटी भी नहीं और बड़ी भी नहीं, मध्यम, तो आप ये मध्यम ऑक्टिव की या मिडल ऑक्टिव की बांसुरी आप उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि बड़ी वाली बांसुरी में क्या होता है, ये आप देख सकते हैं कि जो दो होल है उसके बीच ज़्यादा डिस्टेंस होता है। तो शुरुआत में हमारी प्रैक्टिस इतनी ही होती, क्योंकि उसमें क्या चाहिए कि ये जो दो फिंगर्स है उसके बीच स्ट्रेचिंग ज़्यादा चाहिए, तो वो नहीं हो सकता है। जब आप डे बाय डे प्रैक्टिस करेंगे तब वो स्ट्रेचिंग हो जाएगा, तो आप बड़ी बांसुरी भी बजा सकेंगे। तो बात करते हैं कि बांसुरी कैसे बजाए, तीसरे मुद्दे पे। तो अब छोटे थे तब जो पैन का एक ढक्कन, उसको हम ऐसे करके बजाते थे पूरा क्रॉस में रख के। तो बस बांसुरी का रचना ऐसे ही है, बजाने का सिस्टम भी ऐसे ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट वाला होल जो मैंने बोला था मुख रंध्रा, तो उसको क्या करना है। अब शुरुआत में जब प्रैक्टिस करें तब आपके सामने आईना रखें, तो आपको पता चले कि मैं बांसुरी सही तरीके से यहाँ पे रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ। देखिए हम कैसे रखते हैं बांसुरी। ये जो होल है, ये जो होल का बॉर्डर लाइन है जो अपने सामने की ओर आता है बॉर्डर लाइन, उसको आप नीचे वाले होठ पे रखना है, बिल्कुल मिडल में। आप आईना रखिए तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस होगा। बांसुरी को ऐसे रखना है, बहुत ध्यान से देखिए तब पता चलेगा आपको। गोल घुमा के पूरा, फिर जब यहां पे आप ला दे तब थोड़ा होठ को अंदर की ओर ले जाना है, थोड़ा दबाना है। जब भी अंदर की ओर ले जाए, उसके बाद मैंने आपको बोला आगे कि अब जो पैन का ढक्कन होता था उसमें कैसे हम फूंक लगाते थे और आवाज निकालते थे, तो वैसे ही इसकी रचना है। गहरी सांस भरना है, धीरे धीरे फूंक अंदर की ओर ले जाना है, बहुत छोटे से फूंक ले जाना है अंदर की ओर, धीरे 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 करके। शुरुआत में नहीं बजेगा तो आप हताश हो जाएंगे, पर हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बांसुरी वादन थोड़ा कठिन है। आप डे बाय डे प्रैक्टिस करेंगे तब हो जाएगा। फिर से देखिए दोस्तों, इसे बजाना है स्टार्टिंग में। आप अभी जरूरी नहीं कैसे पकड़े, ये जो पकड़ने की स्टाइल है, जो कैसे पकड़ते हैं, टेक्निक क्या है पकड़ने की, वो मैं आपको दूसरे एपिसोड में बताऊंगा। अभी जस्ट मेरा
आपको तैयारी करवाने का गुल वही है कि आप खाली बांसुरी पकड़ के आवाज़ निकालें। आवाज़ कैसे निकालें वही महत्व है, तो आप वही प्रैक्टिस करें। एक बार मैं फिर बताता हूँ आपको, बस ऐसे ही कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना है। दोस्तों ये प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद मैं आपके सामने अगले संडे और एक एपिसोड लेके आ रहा हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कि बांसुरी में 7 सुर कैसे बजाएं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। पर आपको पहले ये प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तभी वो दूसरा जो एपिसोड आने वाला है वो आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। दोस्तों मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार, धन्यवाद।